स्वास्थ्य सेवा मध्य प्रदेश के द्वारा मिडवाइफरी केयर को इम्प्रूव करने के लिए नियमित रूप से जो कार्यरत महिला संवर्ग के अधिकारी या कर्मचारी हैं उनकी ट्रेनिंग के लिए 18 मई की ट्रेनिंग के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। जो भी इस चयन प्रक्रिया में सफल रहेंगे उनकी पोस्टिंग स्टेट मिडवाइफरी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट और मिडवाइफरी एलईडी केयर यूनिट में लगाई जाएगी। तो जो भी कैंडिडेट इसमें भाग लेना चाहते हैं उनकी क्वालिफिकेशन रजिस्टर्ड नर्स और मिडवाइफरी का उनके पास रजिस्टर्ड होना कंपलसरी है। इसके साथ एमएससी नर्सिंग कंपलसरी है और यदि वो स्पेशलाइजेशन उनका ऑप्स और गायनेक्स है या फिर पीडियाट्रिक्स है या फिर कम्युनिटी से है तो उन्हें 2 साल का कार्य अनुभव होना जरूरी है। यदि उनका एमएससी का स्पेशलाइजेशन आपका साइकेट्रिक्स है मेडिकल सर्जिकल से है तो उन्हें 5 साल का अनुभव होना कंपलसरी है। यदि वो बीएससी नर्सिंग क्वालिफाइड हैं तो मिनिमम 5 साल का क्लिनिकल एक्सपीरियंस उन्हें होना जरूरी है। एज लिमिट की बात करें तो 45 साल इसकी एज लिमिट रखी गई है। और सबसे महत्वपूर्ण जो और इम्पोर्टेंट बात है, एज के अलावा ओनली फीमेल कैंडिडेट आर एलिजिबल फॉर दिस ट्रेनिंग। यदि हम उसकी डेट की बात कर लें तो इसकी जो डेट रखी है वो 21/11 से लेके 5/12/2022 तक रखी गई है। और इसकी लिंक आपकी www.health.mp.online.gov पर उपलब्ध है। चयन प्रक्रिया की बात की जाए तो इसमें 3 प्रकार से आपका टेस्ट लिया जाएगा। पहला आपका कंप्यूटर बेस्ड आपका मल्टी क्वेश्चन रहेगा, उसके बाद में OSC या निबंध लेखन होगा और तीसरा इंटरव्यू बेस्ड भी आपका रह सकता है। डेट की हम बात करें तो इसका स्टार्टिंग डेट आपकी 21/11 है और इसकी एंड डेट आपकी 5/12/2022 है। इसके अलावा एलिजिबल क्राइटेरिया हमने आपको बता ही चुके हैं और इसके अलावा डेजरेबल या फिर एक्स्ट्रा जो भी बेनिफिट रहेगा, जो भी एक्सपीरियंस ओप्स गायन नर्सिंग में विल द प्रेफरेंस और रिसर्च एक्सपीरियंस इज एडेड फॉर एडवांटेज। तो जिन लोगों का रिसर्च में विशेष रूप से एक्सपीरियंस है उन्हें अलग से ही कुछ विशेष महत्व दिया जाएगा। एग्ज़ाम की बात कर लें तो एग्जामिनेशन स्कोर आपका विशेष रूप से 3 चीज़ों पर डिपेंड करेगा, Part 1, Part 2 and Part 3। टोटल MCQ यदि पार्ट वन की हम बात करें तो इसमें टोटल आपके MCQ 50 MCQ रहने वाले हैं, जो 1.5 घंटे का पेपर होगा। टोटल मार्क्स में 50 हो गए और कट ऑफ मिनिमम इसमें 60% आपको लाना कंपलसरी है। तो ये पार्ट वन का आपका हो गया एग्जामिनेशन। और इसके लिए आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, तो जो भी डिजरेबल क्रेडिट है वो एडवर्टाइजमेंट आपको www.health.mp की लाइव साइट पे आपको मिल जाएगी, वहाँ जाके आप इसका फॉर्म डाउनलोड करके इसे अप्लाई कर सकते हैं। इससे संबंधित यदि आपको कोई और जानकारी चाहिए तो मैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं इसके लिए और जो भी आपको इन्फॉर्मेशन रहेगी वो इस चैनल के माध्यम से या इस वीडियो के माध्यम से मैं आगे आपको प्रोवाइड कराता जाऊंगा।